इनके पत्नी में दुष्ट आत्मा थी, रवि, और ये रवि की मम्मी है, और रवि की पत्नी में दुष्ट आत्मा थी, तेरी पत्नी में दुष्ट आत्मा, आपकी बहू में थी, और मेरी पत्नी में दुष्ट आत्मा थी, साने जैसे घर पर आते थे। हाँ, ऊंची आवाज में बात ऊंची करते। तो रात को अचानक दुष्ट आत्मा आई मेरी पत्नी में, तो मैंने जैसे मेरे ससुराल वालों को फोन मारा, उसने कोई साने को घर भेज दिया हमारे। तो उस साने ने क्या, घर पर आए जैसे उन्होंने एक मटका लिया, एक मटके में जैसे मिठाई वगैरह डाल के उसमें क्या कहा गया, दुष्ट आत्मा इसमें कैद होगी। अच्छा, मटके के अंदर दुष्ट आत्मा कैद होगी, मटके के अंदर दुष्ट आत्मा कैद होगी। तांत्रिक कहता, तांत्रिक कहता, उसको फिर नहर में लेके गए, फिर नहर में, नहर में तांत्रिक कहता इसमें 200 रुपये डाल लो, उसको किराया देना है, दुष्ट आत्मा यहाँ से जाएगी। दुष्ट आत्मा को किराया देना है, किराया देना है। फिर घर से आने के बाद 200 रुपया उसके अंदर डाल दिया, 200 रुपये उसके अंदर डाल दिया, मटके के अंदर किराया दे दिया, किराया देना है। उसको फिर नहर में छोड़ दिया, फिर नहर में छोड़ दिया, छोड़ दिया, चले। तांत्रिक घर आया तो 7,000 रुपये ले गए। अच्छा, तांत्रिक 7,000 रुपये। फिर 3 महीने बाद फिर ऐसा हुआ, फिर दुष्ट आत्मा आ गई, फिर दुष्ट आत्मा आ गई, उसको तो किराया देकर भेजा था। फिर कैसी बातें हैं ये, और उसको तो किराया देकर भेजा था, इनकी पत्नी में दुष्ट आत्मा थी, मैं इसलिए आज इन्हें बुलाया था कि क्योंकि हम लोग इनके घर पे प्रार्थना करने के लिए गए थे 2-4 दिन पहले, तो मुझे इसने बताया, और मैंने कहा आकर जरूर तुम चर्च में आकर मुझे जरूर बताना कि दुष्ट आत्मा उसने क्या किया, कुछ न कुछ उसके अंदर डाला मटके के अंदर। कितना बड़ा मटका था? इतना बड़ा था। अच्छा, छोटा मटका था, तो उस मटके के अंदर कहता दुष्ट आत्मा को डाल दिया, मटके के अंदर बंद कर दिया, ऊपर ढक्कन दे दिया, है ना, चपनी क्या कहते हैं, ऊपर चपनी दे दी उसके अंदर, और 200 रुपया उसके अंदर डाल दिया, ये किराया है। तो नहर में कब कहा, कब जाना है नहर में डालने? नहर में से छोड़ दिया उसको, रात को, दिन में, दिन में गए, दिन में गए, तो नहर में छोड़ दिया कि जहां पर ये मटकी जाएगी वहां दुष्ट आत्मा चली जाएगी, चली जाएगी। तो दुष्ट आत्मा तुम तो वहां पर अभी वही होगा, दुष्ट आत्मा पहले घर पे आ गई, तो उसको किराया, दुष्ट आत्मा को किराया भी दे दिया, ये ले किराया ले, तो उसको बस पे चढ़ा देते, तो बस पे चढ़ा देते तो थोड़ा दूर चली जाती, तो नहर में डाल दिया चपनी। तो हंसी इसलिए आती है, तांत्रिकी की बातों पर हंसी आती है, रोना इसलिए आता है कि बेचारों के साथ इतना दुख इन्होंने सहा। कभी कुछ मंगाते थे, कभी यार तो कहते थे काली मुर्गी लेके आओ। अच्छा, काली मुर्गी कहते, काली मुर्गी लेके आओ। जी हाँ जी, कहते काली मुर्गी का, उसको पता नहीं क्या करते थे, मेरी बहू के ऊपर लहू डाल देते थे। अच्छा, मुर्गी को काट कर उसका लहू आपकी बहू के ऊपर डाल देते, बहू के ऊपर डाल देते थे। वो रात को 12-1 बजे हमें सोने नहीं देती, कहती मम्मी कहती आ गई, हम पैसे भी लगा देते फिर भी ठीक नहीं होती थी, डरती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी कि मम्मी आ रही आ रही आ रही है। ये तो मेरे पास खड़ता भी नहीं था, डरता था कि मम्मी अब क्या करें, बहुत पैसा लगाए हमने, हर गेड़े उसी सियाने को बुलाते थे, कभी किसी को भेज देते थे, कभी किसी को भेज देते, हम तो जैसे पागल ही हो गए थे, क्या करें समझ नहीं आ रहे थे। फिर भैया हमारे को किसी ने कहा भी चर्च में जाओ, कह रहे थे कि ये तो अपने कमरे में नहीं सोता, नहीं था। हाँ जी, नहीं सोता था, ये मेरे पास सोता था, ये इतना डरता था, ये बाथरूम करने नहीं जाता था, अनुकता मेरे साथ चल, अपनी पत्नी के पास नहीं सोता, नहीं सोता जी पास्टर जी, नहीं सोता था, ये बहुत डरता था। उस दिन बता रहा था मैं उसको उंगली भी नहीं लगाता था, ऐसे उंगली लगा दी कहीं भूत ना आ जाए मुझे। बहुत डरते थे पास्टर जी, हम बहुत डर के जिए थे। जब हम परमेश्वर में आए, आए आराधना में ही हमारी बहू चंगी हो गई थी यहाँ पर। तो वो दुष्ट आत्मा उनके तेरे ससुराल वालों में थी ना, क्या था? मेरी सासू में, मेरी साली में दुष्ट आत्मा तीनों में एक साथ थी, तीनों में एक साथ थी। जैसे तांत्रिक यहाँ कर गया तो उसके अंदर चली गई, उधर कर गया तो उधर चली गई, एक ही तांत्रिक तीनों घर पे करता था। अच्छा, एक तांत्रिक इधर इधर उपाय करता था, उधर चले जाते, उधर चले जाते, उधर चले जाते, वो जो नहर में छोड़ते थे वहां नहीं जाती थी, वहां नहीं जाती थी। अब खुश हो, उस समय तो रोते थे अपने, और फिर जब आप चर्च में आए तो प्रभु ने आपको चंगा किया। उससे पहले तो क्या हुआ था, मेरी वाइफ का बड़ा ऑपरेशन हुआ था, लड़की हुई थी मेरे, जिस दिन बड़ा ऑपरेशन घर से लाया था ना, उसी रात को फिर दुष्ट आत्मा आ गई थी। अच्छा, उसके जैसे ब्लड भी निकलने लग गया था,
अच्छा ऑपरेशन हुआ था, मतलब बड़ा ऑपरेशन हुआ था, बड़ा पेट कटा हुआ था, पेटा कटा तो दुष्ट आत्मा आ गई। एक हफ्ते बाद आ गई थी दुष्ट आत्मा, एक हफ्ते बाद आ गई। तो फिर खून निकलने लग गया, खून निकलने लगा थोड़ा थोड़ा। फिर तांत्रिक, फिर मैंने एक महीने बाद, जैसे रात को तबियत खराब हुई नहीं, मैंने सोचा सुबह चर्च जाऊंगा मैं। जैसे मैं चर्च आया, मैंने आराधना चल रही थी उस टाइम, मेरी पत्नी ठीक होगी, आराधना में ठीक होगी, आराधना में ठीक होगी, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ी, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रभु की यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। और आप तेरी मम्मी को दे, और क्या आप कह रहे थे? मेरे ना पास्टर जी, पैर में 2 साल से दर्द था, इस समय जोड़ में दर्द रहता था, जोड़ में दर्द रहता था, यहाँ सूज जाता था पाँव मेरा, पैर सूज जाता था। हाँ जी, तो मम्मी ने मेरा चेकअप कराया हॉस्पिटल में, मम्मी काम करती है वहाँ, तो मेरी सारे चेक कराया तो कुछ भी नहीं आया। डॉक्टर कहता अभी इसको ना बुखार में हवा लगी है, जोड़ों में दर्द रहता, दवाई ले लेते तो ठीक हो जाता, फिर ऐसे ही हो जाता था। तो मेरे को वहाँ सरमन कुइयाँ भी ले गई थी मम्मी, बोर के पास है कोई वैद्य था, वो नाड़ी देख के दवाई देता था, मेरे कोई असर नहीं होया, कुछ भी नहीं हुआ इन दवाइयों से मेरे। एक दिन मेरे को परमेश्वर जी ने छुआ, सुबह 5:30 बजे मैं ड्यूटी जाती हूँ ना, तो मैं सोई हुई थी बाहर आंगने में, तो मेरे को परमेश्वर जी दिखा, जैसे मुलायम से हाथ बिल्कुल भी, इतने मुलायम थे। नहीं, उस समय आप प्रभु को नहीं मानते थे? जी नहीं, बिल्कुल ना, बहु ये प्रार्थना करते थे सब। अच्छा, ये मानते थे आप? नहीं मानते? मैं नहीं मानती, लेकिन मैं फिर भी, मेरे को प्रभु ने उस दिन उसको दूसरे मेरे को छुआ परमेश्वर ने, मैं मानती हूँ परमेश्वर को भी, मेरे को दिन पहले दिन ही छुआ परमेश्वर ने मेरे को, मेरा पैर का दर्द 2 साल से था बिल्कुल ठीक हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको छुआ आपके घर, आप अपने के घर पे? हाँ जी। तो उसके बाद दर्द बंद हो गया? हाँ जी बिल्कुल ठीक। तो आप पहले प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते थे? ये लड़के मानते थे? हाँ जी। और इन्होंने जब घर में जो सामान सुन पड़ा था पूजा का, वो बाहर भेज दिया? हाँ जी, डाल दिया। तो फिर मैंने बहुत लड़ाई करी थी, झगड़ा करा था, गुस्सा भी हो गई थी, खाना भी नहीं खाया था मैंने, और मेरी बच्ची को भी मैंने मारा, मेरी बहू को भी थप्पड़ मारा, मेरा सामान क्यों उठाया, मेरे को बहुत क्रोध आया था। अच्छा, पूजा का जो पूजा का सामान था आपने, इन्होंने उठा दिया? हाँ जी, हाँ जी। तो आपने मारा था उस समय? हाँ जी। ये क्या आपने ये कर दिया? उठाया, हाँ। सारे दिन गुस्सा रही, शाम को मेरा क्रोध ठंडा, ये प्रार्थना कर रहे थे सब घर में बैठ गए, तीनों चार इकट्ठे। फिर मैं इनके पास अपना आप ही जाके बैठ गई, इनके पास प्रार्थना सुनने लगी, प्रार्थना सुनी तो मेरे को अच्छा लगा। तो फिर जिस दिन आपने इन्हें मारा मुरा, उस दिन आपको दर्शन हुए? उसी दिन रात को, दूसरे रात को ही दर्शन हो गए थे। उसी रात को? हाँ जी, दूसरी रात को। नहीं, जिस दिन मैं प्रार्थना में बैठी थी उठा दिया था, मैं शाम को, सात दिन खाना कुछ नहीं खाया था, शाम को मैं प्रार्थना में बैठगी, मेरा गुस्सा ठंडा हो गया, मैं शाम को बैठगी प्रार्थना में, प्रार्थना बैठगी तो मैंने प्रार्थना सुनी अच्छी तरह सुनी, और रात को जैसे सोई मैं, सुबह उठती हूँ 5:30 बजे, तो मेरे को सुबह सुबह परमेश्वर जी ने छुआ मेरे को। अच्छा, अच्छा। और फिर आपने अपने प्रभु को ग्रहण कर? हाँ जी, मैंने उस दिन से मैंने प्रभु को ग्रहण, मैं परमेश्वर ने जिस दिन से मेरे को छुआ उस दिन से मैं प्रभु में हूँ, मैं 2 साल से मेरा दर्द था ठीक हो गया। परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं।